नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हैं यहाँ पे, जब कोई स्टूडेंट क्लास 12th पास करता है और उसके बाद उसका करियर क्या हो, उसके आगे की हायर एजुकेशन कैसी हो, वो कहाँ जाए, किन इंस्टीट्यूशन में प्रवेश ले, इनमें बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है और इसी विषय पे मैं एक मार्गदर्शन देना चाहूंगा आप सभी को। तो पहली बात तो ये कि ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई उनको अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो IIT मेन या एडवांस के थ्रू चले जाएं, अगर उनको मेडिकल में जाना है तो नीट के थ्रू चले जाएं। लेकिन इनके अलावे भी हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन उपलब्ध हैं और खासकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें आप तो वहां पे नेशनल लेवल के कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो परंपरागत शिक्षा से हट के भी शिक्षा देते हैं, अलग अलग विषयों पर शिक्षा देते हैं, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, चाहे वो फैशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लॉ की जानकारी या लॉ से रिलेटेड एक स्पेसिफिक कोर्स या डिग्री हो। इन सब विषयों पे लोगों का ध्यान कम जाता है, जागरूकता कम है। तो आने का उद्देश्य हमारा यही है कि आप IIT JEE मेन या एडवांस के थ्रू निश्चित रूप से जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप नीट के थ्रू मेडिकल में जाएं और भी अच्छी बात है, लेकिन कई बार उनसे भी बेहतर ऑप्शन उपलब्ध हैं, उनको भी एक बार आप देख सकते हैं और आप डिटेलिंग कर सकते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल में क्या ये कॉलेजेस भी सूट करते हैं, क्या आप वहां के लिए बने हैं। तो उनसे संबंधित कुछ कुछ कॉलेजेस, कुछ इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जिनके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। सो अब हमारे सामने कुछ इंस्टीट्यूशन है, रिनाउंड इंस्टीट्यूशन जो है भोपाल में लोकेटेड है और ये नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन है, काफी काफी रिनाउंड है और मुझे लगता है कि देश भर में इनकी ख्याति है और देश भर से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। हालांकि इनमें सीट्स कम है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, फिर भी आप देखेंगे कि अगर आप अपना प्रयास करते हैं, मध्य प्रदेश में होते हुए आप इनमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं आपके लिए। इनमें से देखिए पहला इंस्टीट्यूशन हमारे सामने है IISER भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, रिनाउंड है और खासकर रिसर्च के फील्ड में यहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं और अपनी ख्याति इनने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साबित की है। आप देखेंगे कि इसमें जो कोर्सेस हैं वो BS MS ड्यूल डिग्री का कोर्स है। इंजीनियरिंग साइंस डिसिप्लिन में अगर आप देखेंगे तो तीन ब्रांचेज है यहाँ पे। पहली ब्रांचेज आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग, दूसरी ब्रांच है डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, तीसरी ब्रांच आपको दिखाई दे रही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। वहीं पे अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस डिसिप्लिन में जाएंगे तो इकोनॉमिक साइंस से आपको जो है ग्रेजुएट की डिग्री यहां पे मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं और तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। रहा सवाल कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इतने बेहतरीन है, इतने महत्व के हैं कि इनमें एडमिशन मिलना ही काफी बड़ी बात है, इतना आसान नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। इनका जो एडमिशन का प्रोसेस है आप देख रहे हैं कि JEE एडवांस्ड आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, KVPI आपको दिखाई दे रहा है, केंद्रीय वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत आपका जो स्कोर है, और इसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन का खुद जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन अपना एप्टीट्यूड टेस्ट खुद ही लेगा और इसके बाद आपका पर्सनल लेवल पे इंटरव्यू होगा। आप देख रहे हैं कितने लेवल पे स्क्रीनिंग हो रही है और मुझे लगता है कि JEE एडवांस से भी टफ ये इसमें एडमिशन पाना है, लेकिन एक बार अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतरीन साबित होंगे अपने कैरियर में। और इसके बाद हम आते हैं एक दूसरा इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप NIFT के नाम से जानते हैं और ये बेहतरीन है। मुझे लगता है कि परंपरागत शिक्षा से हटके है, फैशन टेक्नोलॉजी आपने नाम में ही देखा इसमें कि फैशन टेक्नोलॉजी है। मुझे लगता है कि फैशन का नाम जब शुरुआती दौर में आता था तो फैशन का मतलब सिर्फ कपड़ों से संबंधित हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में अगर आप फैशन की बात करेंगे तो फैशन सिर्फ क्लॉथ इंडस्ट्री नहीं बल्कि लेदर इंडस्ट्री हो गई, आप चले जाए तो मटेरियल डिजाइनिंग की इंडस्ट्री हो गई। ऐसी कोई चीज मुझे नहीं लगती कि आपकी बॉडी पे है और वो फैशन से जुड़ी ना हो। तो फैशन से रिलेटेड अगर आप ग्रेजुएट होना चाहते हैं, उस पर अच्छा काम करना चाहते हैं, उस पर इनोवेटिव आइडियाज देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि NIFT काफी बेहतर है। इनके कोर्सेस अगर आप देखेंगे तो बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का है फैशन डिजाइन में, लेदर डिजाइन में, एक्सेसरी डिजाइन में है, टेक्सटाइल डिजाइन में भी आप देख रहे हैं ग्रेजुएट है, निटवेयर डिजाइन में ग्रेजुएट है, फैशन कम्युनिकेशन में भी ग्रेजुएट की डिग्री दे रहे हैं ये,
ठीक है। इसी तरह से अप्रैल प्रोडक्शन में भी जो है ये डिग्री दे रहे हैं। एडमिशन प्रोसेस इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जहां पे कंडक्ट करते हैं, हर साल एग्जाम कंडक्ट करते हैं और अपनी मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, उसके बेस पे आपका एडमिशन होता है। तीसरे नंबर पे एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स जरा सा भी लॉ में रुचि रखते हैं, संविधान में रुचि रखते हैं, कानून में रुचि रखते हैं और उनमें तार्किक क्षमता बेहतर है, वो किसी भी चीज को एक बेहतर तरीके से रख पाते हैं, तर्कों के माध्यम से रख पाते हैं और उन्हें बोलना अच्छा लगता है कम से कम, और इससे भी महत्वपूर्ण बात की सच्चाई के साथ खड़े रहना महत्वपूर्ण लगता है, तो मुझे लगता है कि बेहतर ऑप्शन होगा कि आप नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में प्रवेश लें और वहां पे एक बेहतर तरीके से आप एडवोकेट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और यहां पे अगर आप देखें कोर्सेज तो बेहतरीन कोर्स है, क्लास 12th के बाद बीए प्लस एलएलबी, ये कोर्स बेहतरीन है। मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये, जहां पे आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स का भी डिग्री और एलएलबी का भी जो डिग्री है वो एक साथ मिलेगा आपको। एडमिशन की जो प्रोसेस है क्लैट एग्जाम रैंकिंग के थ्रू एडमिशन होगा, काफी टफ होता है क्योंकि देश भर के छात्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिर भी मुझे लगता है कि जहां चाह वहां रहा, अगर आप चाहें तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, हर टेस्ट आसान है। हाँ, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए प्लानिंग करें, तैयारी करें और आसानी से इसमें प्रवेश आपको मिल सकता है। अगला नंबर मेरे स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, बहुत ही बेहतरीन। जब कभी आपके अंदर कोई इनोवेटिव आइडियाज हो, आप कुछ हटके करना चाहते हो, आप वास्तुशिल्पी हो, आपके अंदर किसी चीज को सजाने का हुनर हो, तो मुझे लगता है कि स्पा से बेहतर कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं हो सकता है और आपको यहां जाना चाहिए। और खासकर मैंने देखा है कि गर्ल्स जो चाइल्ड्स हैं, गर्ल्स जो है इस कोर्स को काफी प्रिफर करती है, गर्ल्स का जो परसेंटेज है यहाँ पे काफी बेहतरीन मिलेगा आपको, तो उनके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम हो सकता है कि आर्किटेक्चर में अपना करियर बनाए आप और देश की सेवा करें। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, आपके सामने नंबर 5 पे मैंने रखा है, ये भी भोपाल में लोकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। आज के कुछ सालों पहले ऐसा लगता था कि होटल में काम करना एक अपने स्टैंडर्ड्स के नीचे की बात मानी जाती थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि जब आप 5-star 7-star होटल में आप जाएंगे, वहां का कल्चर देखेंगे, वहां पे आप पर्यटकों को देखेंगे जो देश विदेश से आने वाले पर्यटक हैं, और वहां पे आप जब उनकी एक हॉस्पिटलिटी की बात की से हॉस्पिटलिटी की वजह से आप सेवा करते हैं, अपनी हॉस्पिटलिटी दिखाते हैं इंडियन के तौर पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जो भारतीय संस्कृति को जिंदा रखते हुए अपने कैरियर को भी एक नया आयाम देने के लिए जानी जाती है। तो जब कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स का मन जरा सा भी अगर पर्यटन यानी टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है तो ये एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन आपके भोपाल में स्थित है, यहाँ पे आप प्रवेश ले सकते हैं। कोर्सेस अगर देखें आप तो बी आर्क बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, अब अगला नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। अगर आप वास्तुकला में इंटरेस्ट रखते हैं, आप एक बेहतरीन शिल्पी की दृष्टि रखते हैं, आपके अंदर एक अच्छे शिल्पी होने के गुण हैं, आप चाहते हैं कि कुछ इनोवेटिव आइडियाज से कुछ नया किया जाए, कुछ प्लानिंग नई की जाए, उनको फिर कन्वर्ट किया जाए रियलिटी में, तो मुझे लगता है कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से बेहतर कोई ऑप्शन आपको नहीं हो सकता है। और आपकी प्रदेश की राजधानी में भोपाल में स्थित ये जो इंस्टीट्यूशन है आपके लिए एक सुनहरा ऑप्शन हो सकता है। कोर्सेज अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बैचलर डिग्री है बी आर्क की है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, दूसरी डिग्री है बैचलर ऑफ प्लानिंग, ये दो डिग्रीज यहाँ पे हैं। इनके जो एडमिशन की प्रोसेस आप देख रहे हैं कि एडमिशन का प्रोसेस इनका खुद का जो है होता है, दूसरा जोसा काउंसलिंग होती है उसके थ्रू आपकी जो सीट अलॉटमेंट होनी है उसके थ्रू होती है, कई बार यहाँ पे जेई मेन्स के थ्रू भी आपको एडमिशन मिल जाता है। पांचवा नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर आप देश विदेश से आने वाले मेहमानों को, देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की सेवा करना चाहते हैं और साथ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है।
मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में होटल मैनेजमेंट की जो डिग्री थी या जो कोर्सेज थे इनको उतना ज्यादा आप बोल सकते हैं सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन आज की डेट में इनमें बहुत बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ही ग्रोथ है। इनफैक्ट अगर आप वेल्थ के टर्म में, हेल्थ के टर्म में, दोनों ही टर्म में देखें तो आप बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है ये, और ये भोपाल में स्थित है। मुझे लगता है कि अगर आप टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा ऑप्शन है। कोर्सेस अगर देखेंगे आप तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस यहाँ पे हैं। पहला कोर्स आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बीएससी इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, पहला कोर्स ये है। दूसरा कोर्स अगर आप देखें तो बीएससी इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन का है ये। पहला जो है वेजिटेरियन फोकस्ड है, दूसरा नॉन स्पेसिफाइड बीएससी है। तीसरा अगर आप देखें तो क्राफ्टमैनशिप कोर्स इन फूड प्रोडक्शन एंड पेटिसायर, ये तीन कोर्सेस बैचलर डिग्री के यहाँ पे है। एडमिशन की जो प्रोसेस अगर देखेंगे आप तो एडमिशन प्रोसेस में जेई मेन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन आपको हो सकता है। तो जेई आप जानते हैं कि साल में चार मौके अभी दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, उन चार मौकों में कहीं पे भी आपने बेहतर किया तो उनमें से जो बेस्ट आपका होगा, बेस्ट में से आपको रैंकिंग बनाई जाएगी और उस बेसिस पे आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएंगे। स्क्रीन पे छठवां नंबर आप देख रहे हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग से बात कर रहा था और इंजीनियरिंग के ऑप्शन के तहत एक इंजीनियरिंग के ऑप्शन पे आ गया, लेकिन जहां तक नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन की बात है, जहां पे प्लास्टिक इंजीनियरिंग की बात है, स्पेशली ये ऑर्गेनाइजेशन प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। जहां पे मुझे लगता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर है आप चाहते हैं कि कुछ चीजें जो है देश को सर्व स्तर से करें, तो मुझे लगता है कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बेहतरीन ऑप्शन होगा और आपके भोपाल में स्थित है ये, आपको यहाँ पे जाना चाहिए। कोर्सेज देखेंगे तो बीटेक प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है, बीटेक मैन्युफैक्चरिंग में है, और तीसरा कोर्स आप देखें तो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है। तीन ग्रेजुएट की डिग्रीज यहाँ पे दी जा रही हैं, और जो एडमिशन प्रोसेस है थ्रू सीआईपीटी आईपीटी एंट्रेंस एग्जाम, इनका खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। और एक बात एडिशनली जोड़ना चाहूंगा कि जेई मेन्स के थ्रू यहाँ पे भी आपको एक एंट्री मिल सकती है। स्क्रीन पे सातवीं और मुझे लगता है कि मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए काफी सहजता से जो है प्रवेश उपलब्ध कराती है। और यहाँ के जो कोर्सेस हैं वो भी आपको एक व्यक्तिगत पहचान देते हैं, और नेशनल लेवल पे कहीं भी आप जाते हैं तो इसकी एक पहचान के साथ आप खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेस हैं, है ना, अलग अलग इंटरेस्ट के बच्चों के लिए अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि बैचलर ऑफ साइंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, बैचलर ऑफ आर्ट मास कम्युनिकेशन से है, बैचलर ऑफ आर्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन से है, बैचलर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग से है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी है, बैचलर ऑफ साइंस मल्टीमीडिया में है, आप देख रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस ग्राफिक्स एंड एनिमेशन से है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से आप देख रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन से है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि कई तरह के आयाम यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप इनमें से कौन सा कोर्स सिलेक्ट करते हैं। एडमिशन इनका खुद का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होता है, और मुझे लगता है कि आसानी से एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है, थोड़े से उनके पैटर्न को समझना है कि वो कैसा एग्जाम लेते हैं, और उस तैयारी से आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। थैंक यू। ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको सजेस्ट किए जो आपके करियर में एक बेहतरीन दिशा और दशा दे सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने करियर को उस दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। कभी ऐसा लगता है कि किसी के हमारे पड़ोसी के बच्चे ने ये लिया है तो हम वो कोर्स ले लें, किसी बच्चे ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो मैं उस कॉलेज में एडमिशन ले लूं। मुझे लगता है कि इन सबसे इतर, इन सबसे परे, इन सबसे अलग आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को जानिए, और वो इंटरेस्ट किस यूनिवर्सिटी में जाके मैच करता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके इंटरेस्ट के साथ फिट बैठता है। मुझे लगता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आपके करियर और देश को एक ऊंचाई मिलेगी। धन्यवाद।